नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत किसान आंदोलन से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों का नहीं देश का आंदोलन है, जिसे किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। कभी एक वक्त था हम दो हमारे दो क्यूट सा लोगो हुआ करता था, अब सब कुछ हम दो हमारे दो के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होना है वह अपने आप में ही काफ़ी ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा संभव है कि विधानसभा चुनाव में ECI एप्लीकेशन का प्रयोग हो। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन बूथ स्तर की ऐप है, जिससे फर्जी मत व फर्जी मतदाता से बचा जा सकता है, इसलिए इस ऐप को तैयार किया गया है। अब खबरें बिहार की राजनीतिक गलियारे से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लगभग एक घंटे बातचीत हुई, जिसमें सबसे खास था बिहार का विकास। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए एक तंज कसा। उन्होंने कहा, 15 साल पहले क्या होता था यह किसी से छिपा नहीं है, बिहार में काफ़ी विकास होगा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वृंदावन से लौट आए हैं। उन्होंने लालू की रिहाई के लिए पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजने को कहा। उन्होंने वैसे लोगों से भी पोस्टकार्ड के लिए आग्रह किया है जो लालू यादव को चाहते हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार बौखला गए हैं। बिहार में विजय कुमार चौधरी ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। यह विभाग सबसे पहले मेवालाल चौधरी को मिला था। पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। DGP SK सिंघल समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को टीका लगाया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए DGP SK सिंघल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, हर मापदंड पर खड़ा है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही COVID-19 घोटाले की बात कही थी। जब हमने घोटाले का डेटा सार्वजनिक किया था तो CM नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह नकार दिया। इस मसले पर JDU के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि घोटाले तो राजद के शासनकाल में होते थे। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, बिहार में टेक्सटाइल उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, मैं केंद्र में कपड़ा मंत्री रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिहार टेक्सटाइल उद्योग का हब बने। उन्होंने कहा कि बिहार में सारी सुविधाएं हैं, आज का बिहार सारी अर्हता पूरी करता है, रोड बिजली तो है ही, उद्योग विभाग को पर्याप्त जमीन भी है। कोरोना काल में जो लोग बिहार लौट कर आए हैं उनमें से अधिकांश मजदूर टेक्सटाइल क्षेत्र से हैं, वैसे मजदूरों को बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब बिहार के अन्य जिलों की खबरें। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भौराबाड़ी के समीप पैदल जा रहे एक अधेड़ व युवक को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। इससे अधेड़ की मौत हो गई जबकि युवक गंभीर रूप से घायल है। अररिया जिले में मामूली विवाद में 15-20 युवकों ने एक परिवार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भोजपुर के लोहार श्रीपाल गांव में अपराधियों ने JDU कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। बताया गया कि अपराधियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दी है। लखीसराय में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में मनसा कोड़ा नामक नक्सली मारा गया, वह जमुई जिले के बुरमाहा का रहने वाला था। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ गोबरदाहा जंगल में हुई है। लखीसराय के नदियामा गांव में एक सरपंच मुरलीधर सिंह के पिता ब्रज किशोर सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर पुलिस काफी गंभीर है, गहन छानबीन जारी है। अभी स्थानीय लोग इसे पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पचरौता SSB के जवानों ने गांजा के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजा की कीमत 4 लाख से अधिक बताई गई। गिरफ्तार तस्कर का नाम बहादुर है, वह नेपाल के निर्मल बस्ती का है। बाईसी पुलिस ने 34 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 बाइक व 2 मोबाइल जब्त किया है। तीनों युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
किशनगंज में बिजली बोर्ड ने बकायेदारों का कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है। इससे हड़कंप मच गया है। अभी 55 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है। अंत में खबरें मौसम की। बिहार में मौसम अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। धूप खिलने लगी है, ठंड और कनकनी कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। ठंड जाते जाते भी अपनी छाप छोड़ ही जाता है। ये थी बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर बजाएँ ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।